Bismillahir Rahman Rahim. For today's discussion, we are going to have the topic of phylum Mollusca. Aaj ke evolutionary perspective, general features, relationship to other animals and origin of Ceylon, ye topics ko cover karenge. Aur classification of Mollusca bhi hum is jo hai wo portion mein discuss kar rahe honge. Agar apna syllabus contents dekhen to usme Mollusca ke jo topics given hai, evolutionary perspective, relationship to other animals, origin of Ceylon और Molluscan characteristics के अलावा classification up to class, ये topics included है. इससे onward हम सिर्फ यही portions cover करेंगे आपके chapters में जो आपके syllabus में mentioned है. बाकी जो previous है वो हमने complete chapters भी किए हैं, उसमें भी जो important portions है वो mentioned है syllabus के अंदर, वही उन्हीं में से mainly paper आता है. और अभी भी यही टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो सिलेबस में आपके मेंशन्ड है. सो फाइलम मोलस्का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो मोलस्का के अंदर ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स एंड कटलफिश, ये जो राइट साइड पे पिक्चर शोन है, ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश, दे आर सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट मोस्ट अडेप्ट प्रीडेटर्स, यानी बहुत ज्यादा माहिर प्रीडेटर्स इनको काउंट किया जाता है इनकी स्किल्स की वजह से, इनकी अडेप्टेशन की वजह से, जो बहुत ज्यादा एजिलिटी या बहुत ज्यादा एक्टिविटी ये शो कर रहे होते हैं. इनका प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से इनका जो ब्रेन है, लार्जर ब्रेन, उसका एवोल्यूशन हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं. लाइक इनकी जो आईज है वो वर्टिब्रेट आईज से रिजेंबल कर रही होती है, दे हैव वेल डेवलप्ड आईज, रैपिड लोकोमोशन, ग्रेस्पिंग टेंटिकल्स एंड टियरिंग माउथ पार्ट्स, ये इनके अंदर जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके एक्टिव लाइफस्टाइल या प्रीडेशन के लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप हुए हैं. लेकिन इतने एक्टिव होने के बावजूद ये किसी भी एक्वेटिक कम्युनिटी में रेयरली एक लार्जर पोर्शन बना रहे होते हैं. और सिफेलोपोड की बात हो रही है, सिर्फ एक क्लास है फाइलम मोलस्का की. फाइलम मोलस्का में तो इससे भी ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन सिर्फ सिफेलोपोडा जो वेल डिवेलप्ड ब्रेन जिस क्लास के अंदर मौजूद है, इंट्रोडक्शन में इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इनकी स्पीशीज जो है वो 9000 तक थी अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट, और रिसेंट इसकी स्पीशीज है 550. लेकिन जो रिसेंट इंटरनेट डाटा, गूगल डाटा हमें बता रहा है कि 17,000 स्पीशीज, नेम्ड स्पीशीज ऑफ फॉसिल सिफेलोपोड्स प्रेजेंट थी, और अभी जो रिसेंट आइडेंटिफाइड है वो 550 के बजाय 800 है. एनीहाउ, यू विल बी फॉलोइंग योर टेक्स्ट बुक फैक्ट्स, टेक्स्ट बुक फिगर्स इन योर पेपर्स. फिफ्थ एडिशन की जो फैक्ट्स हैं इनको आप पेपर्स में फॉलो कर रहे होंगे, कि रिकमेंडेड बुक है आपकी. And zoologists do not know why the cephalopods have declined so dramatically. इनका नंबर इतना ज्यादा क्यों कम हुआ है? और इसकी एक पॉसिबल रीजन zoologists के पास ये है कि शायद vertebrates भी उसी टाइम के दौरान डेवलप होना शुरू हुए, और vertebrates के जो फीचर्स थे वो ज्यादा डेवलप थे या ज्यादा बेहतर थे, और उन्होंने उनको आउट कम्पीट कर दिया जो cephalopods से. Alternatively, the cephalopods may have declined simply because of random evolutionary events. कि रैंडमली जो एवोल्यूशनरी डिक्लाइन आता है बाजू का, वो भी एक रीजन हो सकती है. लेकिन ये सभी मोलस्क के बारे में सही नहीं है. ओवरऑल दिस ग्रुप हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. सारे मोलस्का में ऐसा नहीं है कि वो डिक्लाइन कर गए, ये सिफेलोपोड की बात हो रही थी सिर्फ. ओवरऑल मोलस्का का जो ग्रुप है बड़ा सक्सेसफुल ग्रुप है. एंड अगर नंबर ऑफ स्पीशीज की बात की जाए, द मोलस्क आर ट्वाइस एज सक्सेसफुल एज वर्टिब्रेट्स. तो वर्टिब्रेट्स की जितनी स्पीशीज है उससे तकरीबन दुगनी स्पीशीज जो है वो हमारे पास मोलस्का के मेंबर्स की हैं. सिर्फ पहले सिफेलोपोडा की बात हो रही थी, अब ओवरऑल मोलस्क की बात कर रहे हैं हम लोग. एंड वैस्ट मेजोरिटी, ऑलमोस्ट 1 lakh लिविंग स्पीशीज ऑफ मोलस्क बिलोंग टू 2 क्लासेस, गैस्ट्रोपोडा जिसमें स्नेल्स वगैरह और स्लग्स आ जाती हैं, बाइवेल्विया जिसमें मसल्स और क्लैम्स, ये जो है वो स्पीशीज इंक्लूडेड है. फाइलम मोलस्का के अगर कुछ जनरल फीचर्स देखे जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं ये. इसके अलावा although the ciliom of mollusk is only a small cavity, ये reduced है, pericardial cavity के form में है, which surrounds the heart and gonads. ये जैसे देख लीजिए जो इनकी gonads है, heart है, इसको जो cavity surround कर रही है उसे बोला जाता है ciliom cavity. And a ciliom is a body cavity that arises in mesoderm and is lined by a sheet of mesodermal cells called the peritoneum. ये हमने acylomate, pseudocylomate और true cilomates में ये बात की. ये ट्रू सिलोमेट्स के अंदर पेरिटोनियल लाइनिंग या पेरिटोनियल कैविटी की जो कवरिंग है वो मौजूद होती है.
इसके बाद जितने भी हम फाइला पढ़ेंगे मोलस्का से ऑनवर्ड, दे आर ट्रू सिलोमेट्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एज वेल एज अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वो सारे के सारे जो है वो सिलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ये प्रोटोस्टोम्स भी हैं, और बाकी फीचर्स जो प्रोटोस्टोम्स ड्यूटोस्टोम्स के आपने पढ़े उसमें प्रोटोस्टोम्स के बाकी फीचर्स के साथ साथ इनमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अडल्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोलस्क एनालिड्स, फॉर एग्जांपल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड द डक्ट सिस्टम, वो बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं मोलस्का के साथ, जो मेटानेफ्रीडिया है और इसके अलावा बाकी डक्ट सिस्टम। इवन दो मोस्ट जियोलॉजिस्ट एक्सेप्ट द प्रोटोस्टोम एफिलिएशन ऑफ द मोलस्क, द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम एंड अदर प्रोटोस्टोम इज स्टिल डिस्टेंट, एंड द एंसेस्ट्रल एवोल्यूशनरी पाथवेज दे आर स्पेक्यूलेटिव। तो ये भी जो है उनकी डिटेल मौजूद है। इसके अलावा अगर बाकी फाइला के साथ इनका रिलेशनशिप देखा जाए तो सिलोमेट फाइला में ये मोलस्का ये इंसेस्ट्रल जो प्रोटेस्ट एंसेस्ट्रल एनिमल्स उनसे डेवलप हुआ, ये मोलस्का सिलोमेट्स की कैटेगरीज में रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ओरिजिन ऑफ सिलोम के हवाले से, तो दो तरह के बेसिक हाइपोथेसिस होते हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं एनिमल सिलोम के ओरिजिन के हवाले से, प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम में इसको हमने डिस्कस किया था। एक हाइपोथेसिस कहलाता है शिजोसिलस हाइपोथेसिस या शिजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है भी शिजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन में अ सिलोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, के जो ब्लास्टोपोर इंटीरियर एंड है ब्लास्टोपोर के करीबी मेसोडर्मल सेल्स उनकी स्प्लिटिंग होती है, और मेसोडर्मल सेल्स की स्प्लिटिंग की वजह से उनके दरमियान में एक स्पेस डेवलप हो जाती है, दैट इज टर्म्ड एज सिलोम। जबकि एक ऐसी सिलोम जो आउट पाउचिंग ऑफ गट या एंडोडर्म की आउट पाउचिंग से डेवलप होती है, उससे मेसोडर्मल सेल्स डिराइव हो रहे होते हैं ब्लास्टोपोर के ऑपोजिट एंड पे जाकर, और फिर बाद में सिलोम उसमें बनती है, ऐसी सिलोम को कहते हैं एंटेरॉन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेशनशिप की वजह से एंटेरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन। तो शिजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन का हाइपोथेसिस भी है, एंटेरोसिलस का भी है। द सिलोम अराइजेस फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ दिस मेसोडर्म एंड द ये शिजोसिलस में कहा गया, शिजो का मतलब स्प्लिटिंग एंड सिलस मीन सिलोम फॉर्मेशन। और जितने भी प्रोटोस्टोम्स हैं उनके अंदर जो है वो शिजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन ही जो है वो कंसीडर की जाती है, जबकि एंटेरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन यहाँ पे भी शोन है इस डायग्राम में भी, ये ड्यूटेरोस्टोम का फीचर्स है जिसमें एंटेरॉन या आर्क एंटेरॉन जो कैविटी है उसके साथ जो एंडोडर्मल लाइनिंग है, एंडोडर्म से मेसोडर्मल के सेल्स इवॉल्व होंगे और वहां से ही फिर डेवलप होकर ये सिलोम बनेगी। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस हाइपोथेसिस दैट मेसोडर्म एंड द सिलोम फॉर्म फ्रॉम द गट ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, के ये जो गट से एंटेरॉन से बन रही है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से डेवलप हुई है, अगर ये बात सही है, अगर ये अजम्पशन सही है, द एसिलोमेट बॉडी फॉर्म वुड हैव बीन सेकेंडरीली डिराइव्ड बाय मेसोडर्म फिलिंग द बॉडी कैविटी ऑफ अ सिलोमेट एनिमल, कि ये पहले डेवलप हुई और फिर वो बाद में एसिलोमेट्स। अनफॉर्चुनेटली ज़ूलॉजिस्ट्स में नेवर नो व्हिच ऑफ इफ आइदर ऑफ दीज हाइपोथेसिस एक्यूरेट, लेकिन दोनों तरह के हाइपोथेसिस प्रेजेंट किए जाते हैं कि इनमें जो सिलोम बनी है वो एंटेरोसिलस भी हो सकती है और शिजोसिलस भी। एज फार एज देयर क्लासिफिकेशन इज कंसर्न देयर आर सिक्स मेजर क्लासेस, जिसमें थ्री क्लासेस को जो हम ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। The phylum possesses head, foot, visceral mass and mental cavity, and most mollusks also possess a radula, rasping tongue-like structure. इसमें क्लास है nearly 1 lakh species हैं, क्लास Chordofoveata, इसमें 70 species हैं, और क्लास A plecophora, Polyplecophora ये भी smaller classes हैं 250 species, और ये Polyplecophora भी एक small class है, क्लास Monoplecophora भी एक smaller class है Neoplena के representative member के साथ। जबकि स्केफोपोडा, बायवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा, सॉरी 8 क्लासेस हैं टोटल इसमें। स्केफोपोडा में बॉडी इंक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शेल दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड ओवर 300 स्पीशीज। गैस्ट्रोपोडा और बायवेल्विया ये बड़ी क्लासेस हैं, लेकिन बायवेल्विया जिसमें मसल्स आ जाते हैं सीपियां, दे 30,000 स्पीशीज, एंड गैस्ट्रोपोडा स्नेल्स एंड स्लग्स दे आर हैविंग 35,000 स्पीशीज अराउंड अबाउट। और सिफेलोपोडा जिसके बारे में हम स्टार्ट बिल्कुल शुरू में स्टार्ट में बात कर रहे थे, they are the most active and agile members of this group, इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये तीन क्लासेस हैं सेफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा और बाइवेल्विया, जिनकी डिटेल या जिनके डिटेल कंटेंट्स अगर आप शुरू में देखें आपके सिलेबस कंटेंट्स में
मेंशनड है, बाकी क्लासेस की बजाय तीन क्लासेस को हमने ज्यादा फोकस करना है, सिफेलोपोड, बाइवेल्व एंड गैस्ट्रोपोडा, एज यू कैन सी ओवर हियर। और इन्हीं की डिटेल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पोर्शन डिस्कस किया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोर्शन और सार ऑफ दिस चैप्टर। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो प्लीज आप लोग डिस्कस कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।